ervah-ı ezelde ruhumuzu düğümlere dökmek düşmüş bizim payımıza. Bu diyarın kadınları motiflerle söyler sözünü. Yasını düğümlere, renklere döker. Meşakkatlidir halı dokumak. Düğüm düğüm, sabır sabır, emekle, alın teriyle, kanla yazılan bir hikayedir bu. Burası Antakya. Güzel insanların, atların, türkülerin diyarı. Yetim ve öksüz bırakılmışız. Fransız mezalimini boynumuza bir ilmek gibi geçirmişler. Lakin biliyoruz bu topraklar özüne dönecek. Yeniden Türk yurdu olacak. Ahdımız var. Bir gün biri gelecek. Zülfikarı Salim'in boynuna dayayacak. O gün yeniden bu şehrin göklerinde al bayrak dalgalanacak. अम्मी, कुछ कहिए ना प्लीज, आप मुझे ऐसे डरा रही हैं। मैं गालिब को कुछ नहीं बता सकती। तुमने अजीज की खातिर आजम पर गोली चलाई। मिस्टर गा, अभी तक सब सही है। मैं चाहती हूँ हमारा मुस्तकबिल अच्छा रहे, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती। अम्मी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा दिल अंदर से तड़प रहा है, जल रहा है मेरा दिल अजीज की मोहब्बत में। मॉम, अजीज से बे इंतहा मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर वो भागते हुए तुम्हें क्यों छोड़ गया था? उसने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा और वो यहाँ क्यों नहीं है? वो आएगा, उसने कहा था कि वो जरूर आएगा। इसे मार्केट की तरफ ले जाओ, मैं जरा बैंक जा रहा हूं। देखो देखो देखो, कौन आ रहा है? अजीज साहब, कहाँ जा रहे हैं? बैंक जा रहा हूं। क्या फिर से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं? लोग बहुत खुश होंगे, काफी परेशान है सब। क्यों, क्या वो अंकल के साथ काम नहीं कर रहे? गालिब साहब ने परेशान कर दिया सब वर्कर्स को, सैलरी से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हम फंस गए हैं अजीज साहब, आज काफी लोग जॉब छोड़ने वाले हैं। भाई, आपके शूज बहुत अच्छे हैं। अली, सैलरी मिल जाएगी तो शूज ले लूंगा सबके। मेरे बैंक से बाहर आने से पहले बच्चों के लिए शूज खरीद लेना। अजीज साहब, इसकी जरूरत नहीं है। अली तो बस वैसे ही कह रहा था। क्यों, क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? और मैं कोई चैरिटी का काम नहीं कर रहा यहाँ। जब ये शेर बड़े हो जाएंगे तो पैसे दे देंगे। सही कहा ना मैंने? शुक्रिया। चलो आ जाओ बच्चों, आओ। भाई, आप भी आ जाएं। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। बच्चों को वो दो जो उन्हें चाहिए। पागल करके रख दिया है तुमने मुझे। अगर मुझे लड़की नहीं मिली तो मैं यही तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारा घर छीन लूंगा। आह इफ्तान, आह, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ओहो, तुम तो नहा के बहुत ही हसीन हो गई हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही थी जवानी में। बिल्कुल तुम्हारी तरह जिल थी मेरी अपनी जवानी में। देखो देखो जरा खुद को,
पहले से कितनी हसीन नजर आ रही हो तुम मुझे। हो हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि नहाने के बाद तुम इतनी हसीन निकलोगी। ओहो, क्यों हंस रही हो? सही तो कह रही हूँ मैं, मेरी ये जिलबी जवानी में तुम्हारी तरह थी, फिर हंसे जा रही हो? जब तुम आओगी ना मेरी उम्र में, तब याद आएंगे तुम्हें ये जवानी के दिन। आप उसे जानती हैं? किसे? दिलरुबा को? हाँ हाँ, वही। वो दिलरुबा, वो किसी वक्त अजीज साहब की दोस्त थी, और जब अजीज साहब के मरने की अफवाह उड़ी तो फिर उन्होंने आजम से मंगनी कर ली। मिस्टर गालिब का बेटा आजम? हाँ, उन्हीं का बेटा। अजीज तो परेशान हो गया होगा। हाँ, बहुत परेशान हुए थे, लेकिन वो एक बहुत मजबूत इंसान है, वो फिर भी आजम आजम करते रहते हैं। और हाँ, बात सुनो, तुम उन्हें अजीज साहब बुलाया करो, समझी? सिर्फ अजीज साहब, समझी तुम? और तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि अजीज साहब को अपनी खूबसूरती से काबू कर लोगी, ऐसा सोचना भी मत। अरे, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। मेरी एक बात याद रखना, तुम उनकी नजरों में एक नौकरानी हो और कुछ नहीं, और ना ही इससे आगे कुछ सोचना, समझ गई ना मेरी बात को? हाँ, तो मेरा कोई और मतलब थोड़ी था। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। बाहर पता नहीं किसका कुत्ता भौंके जा रहा है। करमुख होगा वो, ढूंढ ही लिया उसने मुझे। अच्छा अच्छा, तो वो तुम्हारा कुत्ता है जो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। बात सुनो, उसको खिलाने के लिए मेरे पास खाना नहीं है। मैं उसे अपने खाने में से खाना दे दूंगी। ओहो, तुम्हारे अपने पास तो खाने के लिए कुछ है नहीं, और तुम उसमें से कुत्ते को खिलाने की बात कर रही हो। पहले तुम अपना तो सोचो, फिर उसका सोचना। बात सुनो, तुम्हारे बाबा भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे ना, जैसे तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हें ढूंढ लिया। हो सकता है कि तुम्हारे बाबा भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। बाबा मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे, और अजीज ने मुझे कहा है कि वो मुझे कभी भी उन्हें नहीं देगा, वादा किया है उसने। ये लो इस तौलिए से, जब तक तुम अपने आप को सुखाओ मैं आती हूँ, देखती हूँ तुम्हारे हिसाब से कोई कपड़े हुए मेरे पास तो तुम्हें लाकर देती हूँ, पता नहीं होंगे भी या नहीं। जो कर्ज तुम मांग रहे हो वो बहुत ज्यादा है अजीज, इतनी बड़ी रकम का आखिर तुम करोगे क्या? अपने फार्म को ठीक करूंगा, बाबा की वर्कशॉप को ठीक करूंगा। तो क्या ये बात डेलीगेट को पता है? नहीं, मैं ये जरूरी नहीं समझता। मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ बिजनेस कैसे हो रहा है। अगर तुम फ्रेंच को अपना पार्टनर नहीं बनाओगे तो तुम ये काम नहीं कर सकते। मुझे इस बारे में सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ, ये तो कारोबार का हिस्सा है, लेकिन याद रखना बैंक इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक उसी पर भरोसा करेगा जो इंश्योर्ड हो। वहां तो फार्म है और बाबा की वर्कशॉप भी। तुम जिन चीजों की बातें कर रहे हो वो सब बेकार हैं। अगर मैं पार्टनर ढूंढ लूं तो? फिर मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फ्रेंच पार्टनर मिल सके। कोई किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हारे अंकल गालिब तुम्हारी मदद करें तो मामलात बदल सकते हैं। वो जितना चाहें तुम्हें लोन दिलवा सकते हैं। मैं अपने अंकल की मदद लेना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह मौका कभी जाया नहीं करता। मैं ये काम करता और एक नई जिंदगी स्टार्ट करता। लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूं। जैक, फौरन डेलीगेट के पास जाओ और उनसे जाकर कह दो कि उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। जी ठीक है सर। अजीज साहब, क्या आपने पैसे लिए? कैसे हैं आप सब लोग? जी बस, आप बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें देखकर खुशी हुई अजीज। शुक्रिया।
तुम्हारे बाबा का अफसोस हुआ, बहुत अच्छे थे वो, अच्छा दोस्त खो दिया। समझ सकता हूँ, उसी दोस्ती के भरोसे मैं यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों को आज रात खाने की दावत देना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हम जरूर आएंगे, हम आएंगे। सर ये आपने क्या किया, घर बिल्कुल खाली है, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? एक बकरी कितने की है? एक बकरी? रही हो, चलो। मैं सोच रही थी कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है ना। हम पहले हंदान के घर जाएंगे, तुम देखना मैं कैसे उसकी हड्डियां तोड़ती हूँ। अजीज का इंतजार कर रही हो अभी तक? और क्या चाहती है अम्मी, और क्या करूं मैं? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें आजम से बात करके माफी मांग लेनी चाहिए। मैं आजम से मोहब्बत नहीं करती। आ जाओ। मैडम आप लोगों के मेहमान आए हैं, बाहर खड़े हैं। तुम जाओ उनको बिठाओ। देखा तुमने, अब क्या करोगी बोलो? वो लोग यहाँ रिश्ता खत्म करने के लिए आए हैं, अब हम क्या करेंगे? आपको पता है यही किस्मत में लिखा था। मुझे बात करने दें आप उन लोगों से। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम बात करोगी तो बात मजीद खराब होगी। कमरे से बिल्कुल नहीं निकलना और किसी से कोई बात नहीं करना, सुना तुमने? वेलकम होम। आप लोग आने से पहले बता देते तो मैं इस्तकबाल करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की हंदान? देखिए मिस निगार, मेरी बेटी से छोटी सी गलती हो गई, लेकिन हम खवातीन होने के नाते बात करके मामला हल कर सकते हैं। प्लीज आइए बैठते हैं। किसी बच्चे की बात नहीं हो रही है यहाँ। तुम्हारी बेटी ने शादी से पहले किसी और मर्द के साथ भागने की कोशिश की है, क्या कहोगी इस पे? कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि अब सब खत्म हो गया, समझी तुम? यानी आप कहना चाहती हैं ये शादी नहीं होगी? जाहिर है, कैसे करोगी तुम ये सब? अपनी बेटी की इस गलती को कैसे छुपाओगी तुम? तुम गालिब से कहो कि तुमने शादी के बारे में अपना फैसला बदल दिया है। यानी आप कहना चाह रही हैं इस गलती की सजा मुझे मिले? तो क्या आप अभी भी मेरे बाबा से शादी करने का सोच रही हैं मिस हमदान? हमदान, या तो हम रिश्ता खत्म कर दें या फिर मैं गालिब को ये सारी बातें बता दूं, फिर सारी दुनिया तुम्हारी बेटी की हरकतों के बारे में जानेगी और इस शहर में तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं होगी। शादी तो दूर की बात है, तुम्हें ये समझ आ जानी चाहिए। चलो। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा दिया हुआ सूट, सही आया तुम्हें? मेरे पास कुछ ऐसे और भी कपड़े हैं। हाँ अच्छे, वो सब भी पहन लूंगी। हम आ गए। खुश आमदीद। ये क्या हुआ, तुमने किया ये?
क्या आपको लगता है अजीज मियाँ कि ये सब इसने किया? अरे ये क्या करेगी, इसे तो खुद मैंने अपने हाथों से नहलाया है। नहलाने के बाद सारे घर की मैंने सफाई की। ये सोफा क्यों हिल रहा है, मैं बैठ के देखती हूँ। अजीज साहब, मुझे बंधे हुए बाल पसंद नहीं है, अपने बाल ऐसी रखा करो। ठीक है अजीज साहब। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? बकरी को जिबा करके पका लो, खाने के लिए कुछ चीजें लेनी है। आज रात के लिए एक अच्छी सी महफिल तैयार करो। हाय अजीज मियाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे ये क्या कर रही हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना सोचा। आज के खाने के लिए शुक्रिया। ये आपके लिए नहीं है, अंताकिया के कुछ बड़े लोग आज रात हमारे मेहमान हैं। चलो चलो, वक्त जाया मत करो, बहुत सारे काम हैं, जल्दी तैयारियां शुरू करो। अजीमी, अजीमी, तुम्हारे लिए खबर है। उम्मीद है कि अच्छी खबर होगी। बताता हूं, मैंने देखा कि अजीज बैंक जा रहा था। वो वहां क्या कर रहा था? मालूम किया था, वो लोन लेने के लिए बैंक गया था, अपने बाबा का वर्कशॉप खोलना चाहता है। तो क्या उसको लोन मिला था? बिल्कुल नहीं। कौन देगा उसे लोन? मैं कर सकता हूं अंकल। मैं जानता हूं कि अजीज पैसों की तलाश में है और मैं ही उसका वाहिद सहारा हूं। वो जल्द ही मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। नहीं, जरूरी नहीं तुम्हारे पास आए। अमीर लोगों को खाने पर बुलाया है, यकीनन मदद मांगेगा उनसे। तो ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग आएंगे और कौन अजीज की मदद करेगा। आने दो, सब पता चल जाएगा। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। अजीज साहब, आपको खाना पसंद आया? ये सब मैंने बनाया है। अजीमी, तुम तो सही से अंडा भी नहीं बना सकती। आज के बाद खाना तुम पकाओगी। ठीक है जैसा आप कहें अजीज साहब। अम्मी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मैं किसी से मुलाकात करने जा रही हूँ, जो बात बिगड़ी है उसे ठीक करने। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी, सब खत्म हो गया है। मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में फिर सोचो। मॉम, अगर आप खत्म नहीं करेंगी तो आजम कर देगा। अम्मी समझे बात को, गोली मारी थी मैंने उसे। इस सब के बाद भी आपको लगता है कि आजम उसे शादी करेगा? अगर आजम ये रिश्ता खत्म करता है तो उसकी आंटी दोबारा नहीं आएगी। तुम ये सब नहीं हासिल कर पाओगी दिलरुबा। आजम तुम्हें दोबारा कबूल नहीं करेगा। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। वो उन औरतों में जाता है जो उसे अक्सर धोखा देती हैं। मैं तुम्हारे लिए उससे एक बार जरूर बात करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगी? तुम्हें इस वक्त कोई फजूल बात नहीं सोचनी, तुम्हें उसकी जिंदगी में शामिल होना है। अजीज को अपने दिमाग से निकाल दो।
क्या हुआ, इतनी परेशानी के साथ क्यों पी रहे? इसका मतलब है तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचा? हो सकता है कि अब मैं शादी से पीछे हट जाऊं। बस अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बाबा क्या कहते हैं, शायद वो भी यही चाहते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम ये कैसे भूल सकते हो? सुबह अजीज ने तुम्हें अपने सामने झुकने पर कैसे मजबूर किया था? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास और क्या ऑप्शन है? अजीज उसे पसंद करता है। आजम, अगर तुम अजीज के पास ये आखिरी चीज यानी दिल रुबा को लेके जाओगे तो इस तरह तुम उसके दिल में हमेशा के लिए गहरी चोट लगा सकते हो। दिलरुबा के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट अजीज की हार है। दिलरुबा मुझसे प्यार नहीं करती, वो ये मंगनी नहीं करना चाहती। याद रखना, तुम दोनों की एंगेजमेंट के लिए हमदान कभी मना नहीं कर सकती। और आजम साहब, मर्द वही होता है जो अपने फैसले कभी नहीं बदलता। याद रखना, तुम्हारा नाम आजम पैदार है, इस बात को भूलना मत कभी। गालिब होगा, हैरत होगी अगर हमदान ने मंगनी तोड़ दी। आजम डिनर करने के लिए भी नहीं आया, पापा उस पे गुस्सा होंगे। आजम कहता है दिलरुबा अपनी गलती मानेगी, मैं रिश्ता खत्म नहीं करूंगा। रोज बरोज ये लड़का पागल होता जा रहा है। आंटी, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जब तक गालिब नहीं आता चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी मैं? तुम मेहमानों से ऐसे सलूक करती हो? मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई थी। मैंने जो कहना था कह दिया है हमदान। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे ख्याल से मुझे अब अंदर जाना चाहिए। मिस हमदान, आपने जो भी कहना है यहीं पे कहिए। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। वैसे निगार, तुम तो बहुत समझदार औरत हो, शायद तुम समझ गई मेरे आने का मकसद क्या है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? ये रिश्ता कायम रहने दो। कहो, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ जरा मुझे। अगर तुम मेरी बेटी की खुशियों का ख्याल करोगी तो मैं तुम्हारे खानदान की खुशियां तुम्हें लौटा दूंगी। बेशरम, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, क्या मैं कर सकती हूँ? अगर मेरी शादी रुकी तो तुम्हारी खुशियां भी रुक जाएंगी। मैं आजम और मकसूदे को सब बता दूंगी कि तुम्हारा बाप अब भी जिंदा है और तुम्हारी माँ ने उसकी मौत के बारे में तुम लोगों से झूठ बोला है। हाँ, मेरे ख्याल से अब तुम गालिब से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। वर्कशॉप के लिए अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि हमें काम में तेजी लानी होगी नई वर्कशॉप के लिए। आई थिंक मैं अकेला ही नहीं हूँ जो इस बारे में सोच रहा हूँ। सुना है कि तुम्हारा भतीजा भी पैसों की तलाश में है। जी हाँ, मैंने भी ये बात सुनी है। मुझे लगता है कि तुम उसे अपने साथ मिला लोगे और मिलके काम करोगे। बात यह है कि वो मेरे साथ नहीं है अब। मैं अपनी पोजीशन अपने बेटे आजम के हवाले कर दूंगा। अजीज के यहां होने से आजम थोड़ा परेशान होगा। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है।
मैं समझता हूं कि अजीज के वालिद की जायदाद तुम्हारे पास अमानत के तौर पे है। उसके बारे में तुमने क्या सोचा? क्या तुम अजीज को सब लौटा दोगे? हाँ, ये सब अजीज का ही है। मैं तो बस उसकी देखभाल ही कर रहा हूं। माय डियर गालिब, अगर तुमने अजीज को ये सब वापस दिया तो हमारे बीच जो डील हुई है वो वैसी नहीं रहेगी। अजीज एक बागी इंसान है और वो किसी की सुनता भी नहीं है। अगर वो हमारे बीच रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि हमारे ऑर्डर्स में कोई रुकावट हो। पता नहीं ये मैं और कितने अरसे छुपा सकता हूँ। एक ना एक दिन तो उसे पता चल जाएगा। मेरे और तुम्हारे अलावा और ये कौन जानता है कि तुमने अपने भाई की जायदाद पर कब्जा किया हुआ है? अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई नहीं जानेगा। वो लोग नहीं आए। इस बहाने हम भी थोड़ा गोश्त खा लेंगे। अगर वो लड़की हमारे लिए कुछ छोड़ दे। मुझे भी यही लगता है। और शायद वो बहुत भूखी होगी क्योंकि उसने घर का बहुत काम किया है, गार्डन भी साफ किया है। शायद ये हलक तक भर लेगी, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेगी। अजीमी, अगर वो लड़की थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो ये बात वाजे हो जाएगी कि हम यहाँ कुछ नहीं करते। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। मेरे ख्याल से वो लोग रास्ते में होंगे। आप ऐसे परेशान ना होइए। अजीज साहब, क्या आप सीधा यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सीधा इधर ही आ गया। आइए आइए जनाब, एंजॉय कीजिए। अरे ये क्या, लुत्फ उठाइए इसका। अजीज ये क्या तरीका है? तो आप लोग इतना डर गए हैं? बात को समझो अजीज, गालिब साहब और फ्रेंच को अपना दुश्मन मत बनाओ। मेरे बाबा ने मुझे सिर्फ खुदा से डरना सिखाया, उसके अलावा किसी से डरना नहीं सिखाया। जब से मिस हमदान यहाँ से गई हैं, मैं देख रही हूँ आप उलझन का शिकार हैं। आप मुझे बताएंगे आप दोनों की क्या बात हुई? अरे तुम ये सवाल हजार बार मुझसे कर चुकी हो मकसूदे, मुझे अब इससे घुटन हो रही है। मैंने कहा ना, ये उसके और मेरे बीच की बात है। तो ठीक है, फिर मैं बाबा को बताऊंगी कि दिलरुबा ने आजम के साथ क्या किया है। और अगर ये आप दोनों के बीच की बात है तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल नहीं मकसूदे, ऐसा मत करना। मैं कसम खाती हूँ मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। तौबा तौबा आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत हो गया, अगर तुमने अपने बाबा को बताने की कोशिश की तो मेरी लाश देखोगी। बेटी, मेरे लिए मुश्किल पैदा ना करो। तो इसका मतलब है कि आप इस मंगनी के लिए रजामंद हैं? अरे हद हो गई है मकसूदे, मैं अपनी कॉफी का मजा लेने के लिए बैठी थी, लेकिन अब ये जहर लग रही है मुझे। Thank you.
क्या हम ये शहर छोड़ के बताओ ना कब जा रहे हैं ये शहर छोड़कर? स्वागत है कि तुम किसी और से प्यार नहीं करोगी, मेरा इंतजार करोगी। अजीज, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं आ सकता। मुझसे एक वादा करो, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ लेकिन वापस यहीं आओगे। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा है जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं रास्ता नहीं बदल सकता। अजीज, अजीज, अजीज। तुम हम पर गुस्सा हो, मैं जानता हूं, जब हमें पता चला कि तुम मर गए हो अजीज तो हमें बहुत तकलीफ हुई। दिलरुबा भी बहुत मुश्किल हालात में थी, सब तुम दोनों के बारे में जानते थे, लोग बातें बनाया करते थे, लोगों का मुंह बंद कराने के लिए मैंने एक फैसला किया कि उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूं, आजम से उसकी शादी करा के, और अब हम इस फैसले को वापस नहीं ले सकते और मैं भी हांदान से शादी कर लूंगा। अगर तुमने ऐसा ना होने दिया तो फिर आजम दुनिया की नजरों में गिर जाएगा। अजीज, तुम जानते हो वो कितना हसास है, वो टूट जाएगा। उसे हमेशा सहारे की जरूरत होती है, तुम हमेशा उसका सहारा थे, मेरी तरह, एक भाई की तरह। दोनों फिर से वैसे ही हो जाओ जैसे तुम मुझे समझते हो, अपने बाप की जगह, क्योंकि तुम जानते हो आजम तुम्हारी तरह नहीं है, वो ऐसे नहीं जी सकेगा। अगर दिलरुबा उसे नहीं मिली तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा अजीज। इसका मतलब है आजम को जिंदा रहना चाहिए। अजीज, तुम भी तो मेरे बेटे हो, तुम मेरे भाई की अमानत हो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं? अजीज, चले जाओ यहां से, जहां तुम चाहो नई जिंदगी शुरू करो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं दूंगा, यही सही रहेगा। चले जाओ। तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं है अजीज, तुम्हारे बाप के पास जो कुछ था सब बिक गया, बस यही बचा कुचा सामान रह गया है। मेरी बात मानो बेटा, चले जाओ। मैं तुम्हें दिलरुबा और अजीज की शादी की दावत देता हूं,
खानदान के फर्द की हैसियत से मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। अपने अंकल और अपने भाई की खुशी में जरूर शामिल होगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर तुमने ऐसा ना होने दिया तो फिर आजम दुनिया की नजरों में गिर जाएगा। आजीज, जब हमें पता चला कि तुम मर गए हो आजीज, दिलरुबा भी बहुत मुश्किल हालात में थी। सब तुम दोनों के बारे में जानते थे, लोग बातें बनाया करते थे, तुम हमेशा उसका सहारा थे, मेरी तरह, एक भाई की तरह। वो ऐसे नहीं जी सकेगा। अगर दिलरुबा उसे नहीं मिली तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा अजीज। अजीमे, अजीमे पानी लेकर आओ। अजीमे, अरे लेकिन इतने कम से ब्रेड नहीं बनेगी। काम आता है, इसे इस्तेमाल किया करो। अभी कुछ नहीं कह सकते, जो अजीज साहब कहेंगे वही करेंगे। अभी मुझे नहीं पता, जो होगा देख लेंगे। उसूलन तो अजीज साहब इस मौके पर उठने वाले थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, और मैंने तो ये भी सुना है कि उनके चाचा ने भी उनकी मदद नहीं की। आहिस्ता बोलो, कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले। अरे क्या हुआ अगर वो सुन लेंगे तो, और मैंने कौन सा कुछ गलत कहा? जो मैंने सुना वो कह दिया, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। सही कह रही हो, लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे अजीमी, कोई अजीज साहब को एक पाई भी नहीं देगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, अजीज साहब तो बस अब अपने ख्वाबों में जीते हैं। मुझे उन पर भरोसा है, वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। बहरे हो गए तुम लोग। मैं कब से आवाजें लगा रहा हूँ, तुम लोग सुन ही नहीं रहे। माफ कीजिएगा, सुना नहीं। बातें कम करोगी तो सुन सकोगी। देखा उन्होंने सुन लिया ना। तो क्या हुआ अगर सुन लिया तो? तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है दिलरुबा। तुम खुद से मिलने नहीं आए इसलिए मैं यहाँ चली आई। क्यों आता मैं? क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? अजीज तुम कब तक ऐसे मुझे परेशान करते रहोगे? क्या तुम्हें अपना वो वादा उस रात का किया हुआ याद नहीं है? हाँ जब से तुम वापस आए हो मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम अपना गुस्सा थूक दो, लेकिन नहीं, तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। ठीक है हो गई थी गलती, लेकिन वो सारी मेरी अपनी चॉइस नहीं थी। मेरी बात को तो समझो ना तुम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? तुमने तो आजम की शान और शौकत और माल और दौलत को चुना है, और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर कह रही हो कि तुमने मुझे चुना। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास ये बेकार चीजें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बस इतना काफी है। ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पास्ट है दिलरुबा, काफी वक्त गुजर गया है और मैंने तुम्हें भुला दिया है दिलरुबा, बहुत देर हो चुकी। तो तुम भूल गए हो मुझे, तो फिर तुम क्यों वापस आए हो यहां पर? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए आया हूं? मैं यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि ये मेरा घर है, और अपने बाबा के लिए आया हूं मैं।